इज रैंडम स्कैन डिस्प्ले। रैंडम स्कैन डिस्प्ले ये देखिए, आप इसकी वर्किंग देख सकते हो। यहाँ पे क्वालिटी इतना अच्छा शो नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो आपका जो पीडीएफ मिला उसमें आप देख सकते हो। ये आपका क्लियर एक पिक्चर है, एक क्लियर स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको ये आपका इलेक्ट्रॉन गन शॉट हुआ, ये ऐसे मूवमेंट करेगा, ऐसे मूवमेंट करेगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपकी ये देख सकते हो आपकी इमेज है वो जनरेट हो रही है, ठीक है। रास्टर और रैंडम में दोनों में डिफरेंस होगा। रैंडम स्कैन सिस्टम यूजेज एन इलेक्ट्रॉन बीम विच ऑपरेट लाइक ए पेंसिल, ऑपरेट्स लाइक ए पेंसिल टू क्रिएट अ लाइन इमेज ऑन द सीआरटी स्क्रीन, ठीक है, सीआरटी स्क्रीन। नेक्स्ट इज पिक्चर इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। आपकी लाइन के फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ पे आपकी ये लाइन है, देखो यहाँ से स्टार्टिंग की इस पॉइंट से ये आपकी लाइन बनती गई। इलेक्ट्रॉन बीम आपका जनरली कॉन्स्टेंटली आपका वर्किंग कर रहा है, ये आपकी लाइन है वो जनरेट होती जा रही है। ये देखिए नेक्स्ट आपकी लाइन, ये फर्स्ट है, स्टार्टिंग है, उसके बाद ये आपका थर्ड पिक्चर एंड दिस इज योर फोर्थ पिक्चर, ठीक है। ऐसे आपका कोई भी पार्टिकुलर स्कैन लाइन आप यूज करते हो किसी भी पार्टिकुलर पिक्चर को जनरेट करने के लिए, लाइक ए पेंसिल की तरह वर्क करेगा सीआरटी स्क्रीन पे। और सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, ईच लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन ऑन द स्क्रीन बाय डायरेक्टिंग द बीम टू द मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू ऑन द स्क्रीन टू द नेक्स्ट वेयर इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स डिफाइन ईच पॉइंट्स। अभी हमने पीछे बात की थी स्क्रीन पे, जैसे हमने इमेज पे बात की थी वैसे ही आपकी स्क्रीन है उसकी भी पार्टिकुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे ये तो आपको ऐसे दिख रहा है, ये स्क्रीन आपकी कैसे ऐसे है, तो इसके पार्टिकुलर जैसे ये वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज 0 0 एंड दिस इज एक्स मैक्सिमम एंड वाई मैक्सिमम, दिस इज एक्स मैक्सिमम एंड वाई मैक्सिमम। ये यहाँ से इसने जनरेट किया, यहाँ से स्टार्टिंग की, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर आपका एक्स वाई कोई पिक्सल हुआ तो इसकी अपनी एक लोकेशन होगी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, और इसका आपका मूवमेंट होती जाएगी उस लाइन के आपके उस पार्टिकुलर आपकी लाइन में आपके जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनके ऊपर वर्क होता जाएगा। ऐसे आपकी लाइन मूव की तो उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टिकुलर और उसके बाद ऐसे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली आपका वर्क कर रहा उस पार्टिकुलर ईच पॉइंट को आपको डिफाइन करेगा। After drawing the picture, the system cycle back to the first line and design all the lines of the image 30 to 60 times each frame. आपका यहाँ पे refresh cycle होता है, ये refresh आपका time बोला जाता है, refresh cycle आपका 30 और 60 होता है। इसको note कर लीजिए please. This is refresh cycle, refresh time. ठीक है, refresh time. यहाँ पे आपका कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसके थ्रू आपकी यूज किया जाए, जनरली सिंपल आपका क्रिएट होगा आपकी, जैसे लाइन आप पेंसिल की तरह ड्रॉ करते हो वैसे आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, कंटिन्यूसली आपका बीम स्ट्राइक करता रहेगा आपकी स्क्रीन पे और आपकी लाइन है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका रिफ्रेश टाइम आप नोट कर सकते हो 30 टू 60 ईच सेकेंड, ठीक है, ईच सेकेंड। ये रास्टर, ये देखिए रैंडम स्कैन के अंदर ये वर्किंग है, रास्टर स्कैन की वर्किंग आपकी डिफरेंट होगी थोड़ी। उसमें क्या आएगा, ये जो हमने देखा ना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहाँ पे ये जो लाइनें होंगी ये आपके स्कैन लाइंस के अंदर वर्क करेगा, ये आपका स्कैन लाइन के अंदर वर्क करेगा। स्कैन लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस होंगी, उनको हम देखेंगे। ये चीज, ये पॉइंट प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद रैंडम स्कैन डिस्प्लेस की, ये देखिए आपका रैंडम स्कैन है वो एक टाइम पे एक लाइन ड्रॉ कर दे करता है, ड्रॉज ए पिक्चर वन लाइन एट अ टाइम एंड फॉर दिस वे इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेक्टर डिस्प्ले और स्टोक राइटिंग डिस्प्लेज और कैलीग्राफिक डिस्प्लेज। कैलीग्राफिक क्या होता है, ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है, कैलीग्राफिक भी इसका नाम है, इसका नाम कैलीग्राफिक डिस्प्लेस। कैलीग्राफिक का मीनिंग होता है आपका कोई एक लाइन ड्रॉ करना और ये एक टाइम पे एक ही लाइन आपकी ड्रॉ करेगा, ठीक है। पिक्चर वन लाइन एट ए टाइम, वन लाइन एट ए टाइम। एडवांटेज है आपके पास, डिसएडवांटेज है, आप स्टडी कर सकते हो। एडवांटेज क्या है, सबसे पहली चीज़ कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है
वो एक पार्ट ऑफ स्क्रीन पे आपका डायरेक्टेड करता है, एक लाइन में आपका जाएगा। जैसे सीआरटी इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टेड ओनली टू द पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन वेयर द इमेज कैन बी ड्रॉन, जहाँ पे वर्क करना है सिर्फ उसी पार्ट पे आपका। फिर उसके बाद एक स्मूथ लाइन ड्राइंग है, हाई रिजोल्यूशन आपका पिक्चर होगा, लेकिन इसकी क्या है कि आपकी शेड सीन्स हैं, शेड सीन्स आपका कोई भी, आपको जैसे आप वर्ल्ड आर्ट आप ने यदि यूज़ किया है, वर्ल्ड आर्ट आपके पर्टिकुलर पीपीटी में भी आप यूज़ करते हो, वर्ल्ड फाइल में भी यूज़ करते हो, वर्ल्ड आर्ट आपका जैसे आपने कोई स्क्रीन जनरेट की, ये ए है, अगर इस ए की आपको शेडो जनरेट करनी है तो इस टाइम पे ये आपका वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, ए आपने जनरेट किया, जैसे ये ए है, इस ए की शेडोज, ये शेडो, ठीक है, हमें जैसे ये शेडो जनरेट करनी है तो इस टाइम पे ये आपका फेल हो जाता है। मीन्स रैंडम स्कैन मॉनिटर कैन नॉट डिस्प्ले रिलेटिव शेड सीन्स, शेड सीन्स आपका यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। इसी डिसएडवांटेज को हमने रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ रास्टर स्कैन सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ रास्टर स्कैन सिस्टम्स। चलिए देखते हैं रास्टर स्कैन सिस्टम में आपकी रास्टर डिस्प्लेज, रास्टर स्कैन डिस्प्लेज मेनली मैंने आपको पहले भी बताया दोनों किस पे वर्क करती हैं, सीआरटी के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, सीआरटी के अकॉर्डिंग। रास्टर स्कैन डिस्प्ले इज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा प्लीज, ये आपका वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड रास्टर ऑन द स्क्रीन, कॉल्ड रास्टर ऑन द स्क्रीन। हमारी जो पिक्सल्स होते हैं, हमारी जो इमेज होती है, आपकी प्रत्येक इमेज की इंटेंसिटी होगी, उसका आपका एंट्रोपी होता है, उसकी पार्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, आप एंट्रोपी काउंट करते हो इमेज की। ठीक है, इमेज की अगर इमेज प्रोसेसिंग आप स्टडी करते हो तो वहाँ पे आपको सब चीज़ें समझ आ जाती। हम एंट्रोपी यहाँ पे देखते हैं, एनर्जी यहाँ पे देखते हैं, कॉम्पैक्शन हमारी इमेज में देखते हैं। ठीक है, जैसे ये आपकी इमेज है, आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्म यदि लगाते हैं BCT ट्रांसफॉर्म, तो ये इसके अपने पिक्सल्स जो हैं, ये पिक्सल्स, ये जैसे हमारे पिक्सल्स हैं 4x4 मैंने यहाँ पे लिया, ये जो पिक्सल है, तो इस पिक्सल की अपनी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो अपनी एंट्रोपी है, उसको काउंट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क करता है आपकी डिस्प्ले पे, आपको जो इमेज शो होने वाली है वो किस टाइप की होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जनरली किस पे वर्क करता है, इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल्स इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड रोस्टर ऑन द स्क्रीन, कॉल्ड रोस्टर ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट इज आपकी जो इन्फॉर्मेशन, ये पिक्चर इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन ये कहाँ पे स्टोर होगी, ये आपके फ्रेम बफर के अंदर स्टोर होती है। फ्रेम बफर हम पहले भी देख चुके हैं, फ्रेम बफर, इस फ्रेम बफर के अंदर जाके, जैसे ये पिक्सल है इसकी यहाँ पे स्टोर हो गया, नेक्स्ट है उसकी यहाँ पे स्टोर, नेक्स्ट है उसकी यहाँ पे स्टोर, उससे नेक्स्ट यहाँ पे, तो आपके फ्रेम बफर पे ये पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उस पिक्सल की, वो पार्टिकुलर फ्रेम बफर की एक लोकेशन में जाके स्टोर होती है। ठीक है, टेलीविजन आपका जो वर्क करता है, दैट इज आपका वर्क करता है जो, वो रास्टर स्कैन मेथड पे वर्क करता है। बेस्ट एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, टेलीविजन ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, टेलीविजन। टेलीविजन आपका रास्टर स्कैन का, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेलीविजन इज वर्किंग ऑन आइदर रैंडम स्कैन डिस्प्लेज और रास्टर स्कैन डिस्प्लेज। ठीक है, द रास्टर स्कैन सिस्टम कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ ईच इन द फ्रेम बफर, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट इज रास्टर स्कैन प्रोवाइड अ रिफ्रेश रेट ऑफ 60-80 फ्रेम्स पर सेकेंड, दिस वन इज अ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके रास्टर स्कैन सिस्टम के अंदर वर्क करता है। ये आपका पूछा जा सकता है 100% मेन, हमारे उसमें कितना था 30-60 फ्रेम्स पर सेकेंड, रैंडम में आपका रास्टर में कितना है 60-80 फ्रेम्स पर सेकेंड, 60-80 फ्रेम्स पर सेकेंड। ओके, ये दोनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ, वो आपका किस पे वर्क कर रहा है, कंटिन्यूसली वर्किंग कर रहा है, शेडिंग में फेल हो गया था, सेकेंड पॉइंट। ये आपका किस पे कर रहा है, पिक्सल के ऊपर वर्क कर रहा है और उस पिक्सल की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। और सेकेंड पॉइंट, टेलीविजन आपका एग्जांपल है जैसे, और आपकी पिक्सल की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर होती है, फ्रेम बफर के अंदर स्टोर होती है। अपनी एक पिक्सल जो है पोजिशन, उसकी अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन होगी जो उस पार्टिकुलर
उस पिक्सल को आपकी डिस्प्ले पे शो करने के लिए यूज किया जाएगा। और सेकेंड आपका थर्ड पॉइंट है जो 60-80 फ्रेम्स पर सेकेंड इज द रिफ्रेश रेट ऑफ रास्टर स्कैन सिस्टम और रास्टर स्कैन डिस्प्ले। कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन यहां से, अनदर कोई क्वेश्चन? इसका एक मैं आपको डिफरेंस बिटवीन रास्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन का एक मेरे पास पीडीएफ पेज है, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, ठीक है? यस, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहां तक? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखते हैं वर्किंग हमारी रास्टर स्कैन का। मेनली इस पॉइंट को ध्यान से समझना, आपका यहां से हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, यहां से हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। देखिए ये है आपकी स्किन, ये आपकी स्क्रीन है, आपकी डिस्प्ले है, ठीक है? इसके ऊपर ये आप लाइन देखो, ये लाइंस ये आपकी स्कैन लाइंस हैं। ये क्या है? आपकी स्कैन लाइंस। अब ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ये लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन, इस लाइन को बोलेंगे स्कैन लाइन। और ये इसका हो गया हॉरिजॉन्टल ट्रेस। और ऐसे आपका पॉइंट टू पॉइंट, अपर पॉइंट से देखिए, अपर पॉइंट्स, टॉप ऑफ द, टॉप पे जो आपका कॉन्टेक्ट करेगा, ये टॉप ये होगा आपका वर्टिकल रीट्रेस। वर्टिकल रीट्रेस प्लीज इसको जरूर ध्यान रखना, इस डिस्प्ले को। इसके बेस पे हमारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, हम अभी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसके बेस पे। ये देखिए, ये होगा आपका नॉर्मल वर्टिकल ट्रेस। और इसका फिजिकल, ये स्कैन लाइन थी हमने बात की, ये स्कैन लाइन है आपकी इसका, और ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ये होगा हॉरिजॉन्टल रीट्रेस, हॉरिजॉन्टल रीट्रेस, ठीक है? फ्रेम बफर इज ऑल्सो नोन एज रास्टर बीट मैप, हम पहले भी देख चुके हैं इस बात को, आपके पर एलिमेंट स्टोर होते हैं। बीम रिफ्रेशिंग इज ऑफ टू टाइप्स, आपका बीम ये रिफ्रेशिंग होगी, ये दो टाइप की होती है। प्लीज फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग एंड सेकेंड इज वर्टिकल रीट्रेसिंग, इसके बेस पे क्वेश्चन अभी हम सोल्व करने वाले हैं। देन इट विल अगेन, आपका जैसे क्या हुआ, आपका बीम टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है टॉप लेफ्ट से और ये मूव करते करते आपका यहाँ पे चला जाता है राइट बॉटम पे। देखिए द बीम स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड रीचेज द बॉटम राइट स्केल, इट विल अगेन रिटर्न टू द सेम पॉइंट, इट विल अगेन रिटर्न टू द सेम पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड द वर्टिकल रीट्रेसिंग। वर्टिकल रीट्रेसिंग जैसे यहां पे देखो, यहां पे इस इमेज का जनरेशन देखो, इन इमेज का जनरेशन देखो, इसने स्टार्टिंग की यहां से, ऐसे गया आपका, ये देखो स्टार्टिंग कहां से कर रहा है भाई, यहां पे पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, बिल्कुल सबसे पहला पॉइंट कहां से है, आपके इस पार्टिकुलर कॉलम से है, कहां से, राइट टॉप से। और अब ये स्कैन लाइन ऐसे ऐसे वर्किंग करके आपका ऐसे वर्किंग, यहां पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग कहां से की है, राइट टॉप से स्टार्टिंग की है। और एंडिंग कहां पे करेगा, वापिस आपके यहां पे कर रहा है राइट बॉटम पे। तो किस टाइप का ये हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग है या वर्टिकल रीट्रेसिंग है? दिस इज अ हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग और वर्टिकल रीट्रेसिंग। व्हेन द बीम स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट, पॉइंट ध्यान रखना प्लीज, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, यहां से टॉप लेफ्ट से, और यहां पे जाएगा, यहां पे जा रहा है ये, यहां पे मींस राइट बॉटम पे, और वापिस आपका इसी पोजिशन पे वापिस मूव कर जाए यहां से, तो ये होगी वर्टिकल रीट्रेसिंग। यहां पे प्लीज इस लाइन को ध्यान रखना, बीम स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड रीचेज द बॉटम राइट कॉर्नर एंड अगेन रिटर्न टू द टॉप लेफ्ट, देन इट इज अ वर्टिकल रीट्रेसिंग। और इसका अगेन हॉरिजॉन्टल इज, देन इट विल अगेन मोर हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल। यहां पे प्लीज टू वर्ड्स आर मिसिंग, CALLED लगा लेना भाई, आई थिंक टू वर्ड्स आर मिसिंग। देन इट विल अगेन मोर हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग। देखिए यहां पे इसने यहां से स्टार्ट किया, यहां पे आया, किस टाइप की ट्रेसिंग है, हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग, हॉरिजॉन्टल
रीट्रेसिंग। अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता और वापस यहाँ आता तो होता वर्टिकल रीट्रेसिंग। आपके पिक्चर में आप देख सकते हो राइट टॉप से स्टार्ट किया है और ये इसने राइट बॉटम पे फिनिश किया, मीन्स हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली वर्किंग की है इसने। तो किस टाइप का है? हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग, हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? प्लीज, दो टाइप का होता है आपका बीम रिफ्रेशिंग, ये पॉइंट ध्यान रखना प्लीज। बीम रिफ्रेशिंग इज ऑफ टू टाइप्स, आइदर हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग और वर्टिकल रीट्रेसिंग, हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग और वर्टिकल रीट्रेसिंग। एक पॉइंट और नोट कीजिए, आपका जब आपसे बोला जाए ट्रेसिंग करना या स्कैन करना कुछ भी, अगर वर्टिकल दिया गया है तो वो एक बार में आपकी जितनी स्कैन लाइंस है सबको स्कैन करता है। क्यों करेगा? देखो यहां से स्टार्ट करेगा यहां पे और वापस यहां पे, मैं जितनी स्कैन लाइन है सबको पास आउट करके वापस वहां पे जा रहा है। आपकी डिस्प्ले पे जितनी भी स्कैन लाइंस हैं सबको यूज करके और वापस अपने पॉइंट पे पहुंच रहा है, मीन्स आपकी पूरी डिस्प्ले में जितनी नंबर ऑफ स्कैन लाइंस हैं उन सबको उसने यूज किया है। यहां से क्वेश्चन आपका आएगा, न्यूमेरिकल हम अभी देखेंगे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में कहा स्टार्टिंग हुई, यहां से स्टार्टिंग की, ये पहुंचा वापिस यहां पे, ऐसे इसकी ट्रेसिंग कैसे हो रही है? यहां ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो हॉरिजॉन्टल की वर्किंग कैसे हो रही है यहां पे, मींस आपके ऐसे मूव कर रहा है ये, जैसे यहां पे स्टॉप हो गया, यहां पे यदि हमने स्टॉप कर दिया हॉरिजॉन्टल को, तो इसने कितनी लाइंस को स्कैन किया? सिर्फ आपकी तीन लाइंस को स्कैन किया। और वर्टिकल यहां से स्टार्ट होके यहां फिर वापस, मींस इसने जितनी स्कैन लाइन है सबको ट्रेस किया है। ये पॉइंट प्लीज, ये डिफरेंस याद रखना, इसके बेस पे हम अभी क्वेश्चन करेंगे, कितना रिफ्रेश टाइम लगेगा, कितने रिफ्रेश साइकिल लगेंगे, अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स। इसमें किसी को डाउट है भाई? कोई इस पॉइंट्स में किसी को डाउट? इन पॉइंट्स में किसी को डाउट है कोई? कोई डाउट है किसी का? कोई क्वेश्चन? ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ स्कैनिंग। टाइप्स ऑफ स्कैनिंग वो क्या था आपका? बीम से रिलेटेड बात थी, वो थी हमारी बीम से रिलेटेड बात। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्कैनिंग। बीम रिफ्रेशिंग याद रखना दो टाइप का था। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्कैनिंग इन रास्टर स्कैन। सबसे पहला होता है आपका इंटरलेस स्कैनिंग, सेकेंड इज नॉन इंटरलेस स्कैनिंग। अब ध्यान से देखो वर्ड क्या यूज किया है, इंटरलेस। इंटरलेस, इंटरलेस मीन्स इन इंटरलेस स्कैनिंग ईच हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द स्कैन इज ट्रेस्ड फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। वही जो बात अभी मैंने आपको पीछे शॉर्ट में बताई थी वही बात यहां पे लिखी हुई है। इन आपका ईच हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द स्क्रीन इज ट्रेस्ड फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ड्यू टू विच फेडिंग ऑफ डिस्प्ले और ऑब्जेक्ट में अकर। दिस इज द डिसएडवांटेज, ठीक है। प्लीज इस पॉइंट को नोट करना। और इसी को रिमूव करते हैं हम नॉन इंटरलेस्ड के अंदर। नॉन इंटरलेस्ड के अंदर क्या होता है? इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल ओड नंबर ऑफ लाइन्स आर ट्रेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बीम, बाय द इलेक्ट्रॉन बीम। देन इन द नेक्स्ट सर्कल इवन नंबर ऑफ लाइन्स आर लोकेटेड। सबसे पहले क्या? ओड लाइन्स और उसके बाद इवन लाइन्स। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट इज 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट इज 30 फ्रेम्स पर सेकेंड बट इट गिव्स फ्लिकर्स। फ्लिकर्स यहाँ पे इसका ध्यान रखना, ये इसकी डिसएडवांटेज क्या है? फ्लिकर्स। फोर इंटरलेस रिफ्रेश टाइम इज, अरे ये यहाँ का है भाई, ओके ये लाइन यहाँ पे आ गई, इसका है 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, 60 फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। और इसका है आपका 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। ये इनको इनका दोनों का रिफ्रेश रेट है। और रिफ्रेश अभी हमने बात की, इसका ज़्यादा क्यों है कोई बता सकता है? हाँ जी, कोई बता सकता है इसका ज़्यादा क्यों है? रास्टर्स इंटरलेस स्कैनिंग का ज़्यादा क्यों है? चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप फाइंड आउट करना, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद देखते हैं आपके एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे, एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे, देखते हैं।
सबसे पहली चीज एडवांटेज क्या हो सकता है, हमारे जो रैंडम स्कैन थे उसमें उसकी डिसएडवांटेज क्या थी भाई, कि शेडिंग नहीं हो पाती थी, मीन्स जस्ट आपकी जो इमेज थी जो वो एक लाइन की तरह दिखाई देती थी, लाइंस दिखाई देती थी वहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है उसकी शेड भी जनरेट हो जाती है, अगर आप जनरेट करना चाहें तो उसकी शेड भी जनरेट होगी। वहाँ पे क्या था, जैसे आपने कुछ भी बनाया, आपने जैसे ये बनाया या आपने एक हट बनाई, तो ये आपको लाइंस की फॉर्म में शो होगे रैंडम स्कैन में, ओनली एक लाइन की तरह। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे हमने इसमें शेडिंग कर दी, ये शेडिंग कर दी, तो आप इसको देख के बता सकते हो मेनली, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है, ये आपकी, अब क्या ये रियल पिक्चर दिखाई दे रहा है, क्या ये रियल पिक्चर दिखाई दे रहा है? यस, रैंडम स्कैन आपको क्या करता है, आपको रियलिस्टिक इमेज दिखाता है, रियलिस्टिक इमेज दिखाता है। प्लस इसके अंदर आपकी रैंडम स्कैन अगर ये हुआ है, अगर आप ध्यान दें तो शेडिंग हुई है, तो प्रत्येक पॉइंट पे एक डिफरेंट कलर जनरेट होता है, अगर ध्यान दें तो आपके प्रत्येक पर ईच पॉइंट पे एक डिफरेंट कलर, आप कोई भी इमेज देखिए प्लीज, आपने कभी देखा हो सीनरी में, सीनरीज में देखा होगा कुछ कलर्स आपके क्या होते हैं, डार्क होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपके ईच पॉइंट पे कलर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर होगा, मीन्स इसमें मिलियन डिफरेंट कलर्स कैन बी जनरेटेड, और सेकेंड शैडो सीन्स आर पॉसिबल, ये तो हमारा मेन पॉइंट था, शैडो सीन्स आर पॉसिबल। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, लो रिजोल्यूशन एंड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स खर्चा तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और लो रिजोल्यूशन मीन्स कि यहाँ पे देखो, अगर इसका कलर डार्क हो गया, सॉरी इसका कलर डार्क हो गया और इसका कलर हल्का रह गया, तो इसकी रिजोल्यूशन क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। और सेकेंड पॉइंट, आपने ये इमेज क्रिएट की फॉर एग्जाम्पल 32x32 पे, 32x32 को, और आपने इसको ट्रांसफ़र किया 1024x1024 में, तो क्या होगा, वहीं पे 32 पिक्सल आपने एक पूरे के लिए यूज़ किया और उसी को आपने 1024 में ट्रांसफ़र कर दिया, क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा आपका इमेज का, ब्लर होगी कि नहीं होगी, तो आपका रिजोल्यूशन क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है, यहाँ पे लो रिजोल्यूशन, लो रिजोल्यूशन, ठीक है, दिस इज़ द डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है हमारा रास्टर स्कैन सिस्टम, ये हमारा सिस्टम था, और सॉरी डिसएडवांटेज थी, अब है हमारा जो रास्टर स्कैन सिस्टम मेनली जो वर्क करता है, हम उसको देखने वाले हैं, रास्टर स्कैन सिस्टम की वर्किंग हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या यूज़ होगा, ये आपका रास्टर स्कैन सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, इसी के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पे यूज़ होंगे। सबसे पहली चीज़ CPU आपका, सिस्टम बस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेम वर्किंग आपकी जैसे सिंपल आप करते हो आपके कंप्यूटर की होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं दिस वन इज़ द एक्स्ट्रा प्रोसेसर, ये आपका CPU है, ये आपकी मेमोरी है, ये आपके सिस्टम बस है, ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ की जाती है जिसका नाम है वीडियो कंट्रोलर, यू कैन से डिस्प्ले कंट्रोलर जिसको बोला जाता है, वीडियो कंट्रोलर और डिस्प्ले कंट्रोलर, जिससे आपका मॉनिटर अटैच होता है, और ये मॉनिटर आपका जिसके आप अपने डिस्प्ले को देखते हो। द रास्टर स्कैन सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ CPU प्लस डिस्प्ले कंट्रोलर, डिस्प्ले कंट्रोलर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस, और यू कैन से इट इज़ अ वीडियो कंट्रोलर, ठीक है। अब आपका कोई भी इमेज आप जनरेट करते हो, जो वो शो होने वाला है उसको टोटली यहाँ से वो कंट्रोल करेगा। इसकी वर्किंग देखिए नेक्स्ट में, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स 0 0, ठीक है, वाई मैक्सिमम और एक्स मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम एंड एक्स मैक्सिमम। सबसे पहले ये जानिए, ए फिक्स्ड एरिया ऑफ सिस्टम मेमोरी इज रिजर्व फॉर फ्रेम बफर, आपकी मेमोरी के अंदर से ही हम फ्रेम बफर के लिए स्टोर आपका रिजर्व करते हैं, और जो भी डायरेक्ट आपका पिक्सल होगा वो टोटली आपकी एक पिक्सल की जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रेम बफर के अंदर हम स्टोर करते हैं, पीछे हम ये देख चुके हैं। फ्रेम बफर लोकेशंस एंड करस्पॉन्डिंग स्क्रीन पोजिशंस आर रेफरेंस अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मैंने आपको पीछे डायग्राम जो बना के दिखाया था स्कैन लाइन वाला, हमने एरे वाला जो देखा था वो आपका वही थ्योरी है यहाँ पे। स्कैन लाइन्स आर देन लेबल्ड फ्रॉम वाई मैक्सिमम एंड एक्स मैक्सिमम, ठीक है, वाई मैक्सिमम एक्स मैक्सिमम जो हमने वहाँ पे डायग्राम बनाया था सेम उसी की एक्सप्लेनेशन है ये देखिए
ये आपका वर्किंग हो गया, तो ये आपका क्या हो गया x मैक्सिमम एंड ये हो गया आपका y मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो वर्किंग होती है रास्टर स्कैन सिस्टम के अकॉर्डिंग, आप इसकी स्कैनिंग करते हो। स्कैनिंग हमने देखा दो टाइप की होती है, वन इज इंटरलेस्ड एंड सेकेंड इज नॉन इंटरलेस्ड। बीम जो है उसका रिफ्रेश रेट हमने देखा दो टाइप का होगा, हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग एंड वर्टिकल रीट्रेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी वर्किंग, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका मेनली जो डिस्प्ले मॉनिटर है आपका, डिस्प्ले कंट्रोलर, ये देखिए आपका, ये देखिए आपका, ठीक है। हाँ जी, ये है आपका डिस्प्ले प्रोसेसर, ये है आपका डिस्प्ले प्रोसेसर। डिस्प्ले प्रोसेसर में हमने वहां पे पीछे, अगर आप आपके पास पीडीएफ है तो उसमें आप देख सकते हो, हमने चार कंपोनेंट्स देखे थे। सबसे पहला क्या था, डिस्प्ले फाइल मेमोरी, सेकंड इज डिस्प्ले कंट्रोलर, थर्ड वन इज डिस्प्ले जनरेटेड एंड फोर्थ वन इज डिस्प्ले कंसोल। चार थे हमारे पास, डिस्प्ले मेमोरी, फ्रेम बफर आपका जिसके अंदर डाटा है आपका टोटल, फिर डिस्प्ले कंट्रोलर और यहाँ पे आपका डिस्प्ले जनरेटर एंड डिस्प्ले कंसोल जो आपको शो करेगा, जो आपको शो करेगा। इसके अंदर आपका डाटा है, मेमोरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये आपका किसके पास जाएगा, कंट्रोलर के पास। ये इसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा उसकी वैल्यू को, और ये यहाँ पे पास आउट करेगा किसको, डिस्प्ले जनरेटेड को, और इसको शो करेगा आपके डिस्प्ले कंसोल्स के साथ आपके मॉनिटर को, ठीक है, डिस्प्ले कंसोल्स के साथ आपके मॉनिटर को। द वीडियो कंट्रोलर इन द आउटपुट सर्किट जनरेट्स द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ड्राइव सिग्नल्स सो दैट द मॉनिटर कैन स्वीप। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपकी जो डाटा है, आइदर एट इज ए 0 और 1 ऑन और ऑफ पिक्सल वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग आपकी मॉनिटर स्क्रीन है उसको स्वीप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इट्स बीम अक्रॉस द स्क्रीन ड्यूरिंग द रास्टर स्कैन। हमने रास्टर स्कैनिंग अभी हमने देखा, बीम किस टाइप से था हमारा, हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग होगी या फिर हमारी वर्टिकल रीट्रेसिंग होगी, हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग होगी या फिर हमारी वर्टिकल रीट्रेसिंग होगी, वर्टिकल रीट्रेसिंग होगी, ठीक है। हमारे जो सिस्टम है, ये सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम बफर में वैल्यू उसको हम स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू रजिस्टर्स, ओके। इट्स अ ओके, हम बात कर रहे थे हमारे सिस्टम में, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके लिए हम दो रजिस्टर यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स एंड वाई, उसके लिए हम दो रजिस्टर यूज करते हैं। हमारा रास्टर स्कैन जनरेटर हमारी वैल्यूज है वो एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू ट्रांसफर करता है बफर के अकॉर्डिंग, और उसको हम हमारे मॉनिटर के अंदर पास आउट करते हैं। फ्रेम बफर आपका, ये साइन ऐसे भी आएगा प्लीज, फ्रेम बफर आपका, फ्रेम बफर आपका मेमोरी एड्रेस, ये एक्स और वाई की वैल्यू आपको देगा डिस्प्ले कंट्रोलर को, डिस्प्ले कंट्रोलर उसको जनरेटर को पास करेगी और जनरेटर आपका पार्टिकुलर मॉनिटर को पास आउट करता है। और यहाँ पे होती हैं आपकी तीनों ये लाइंस, रेड रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर, जिनके थ्रू हिट करके आपका पार्टिकुलर मॉनिटर पे क्या होता है, स्क्रीन पे आपका जनरेट होता है। आपका पार्टिकुलर स्क्रीन पे जो भी आपका कलर है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका कलर क्या है वो जनरेट होता है। तो एक्स टू रजिस्टर, एक्स एंड वाई रजिस्टर आर यूज टू स्टोर द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड वाई। अज्यूम दैट वाई वैल्यू ऑफ द एडजेसेंट लाइन इज इंक्रीज्ड, जैसे आपका यहाँ पे था तो एक्स वैल्यू इंक्रीज होगी, उसके एडजेसेंट आपकी वाई वैल्यू इंक्रीज होगी। ये 0 0 है, अगर ये 0 आपका 1 हुआ, ये आपका 1 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट यदि 1 हुआ है तो वैल्यू क्या रही आपकी, वाई की 0। लेकिन अगर यहाँ पे जाते हो तो किसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, 0 की वैल्यू एचटीज है, वाई की वैल्यू इंक्रीज हो गई 1। तो आपका ऐसे दोनों इंक्रीमेंट करते हैं, वैल्यू एडजेसेंट स्क्रीन लाइन इंक्रीज्ड बाय 1 इन द अपवर्ड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम वाई की वैल्यू। ध्यान रखिए वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू आप ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होती जाएगी, और अप टू वाई मैक्सिमम आप जाएंगे यहाँ पे वाई मैक्सिमम, और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपका एक्स मैक्सिमम इधर होगा। जब आप उसके अकॉर्डिंग एक्स में लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन से राइट मोस्ट डायरेक्शन पे जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट पे, तब इंक्रीज होती है और ये आपका ओरिजिन होगा। और मैक्सिमम हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक्स मैक्सिमम और वाई मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम था, इसके कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। रिफ्रेश साइकिल्स की हमने बात की, रिफ्रेश साइकिल कितना था हमारा, हाँ जी, रैंडम स्कैन में कितना था हमारा, रैंडम स्कैन में
रैंडम स्कैन में कितना था हमारा 30 to 60 frame per second, 30 to 60 frame per second, जनरली कितना होता है 30, जनरली कितना होता है 30, और ये 60 तक जा सकता है। क्वेश्चन में पूछा जाए तो जनरली आपका कितना होगा 30 होगा। रास्टर स्कैन की बात की जाए, रास्टर स्कैन में, रास्टर स्कैन में कितना आंसर था 60 frame per second, 60 frame per second। सबसे पहला पॉइंट आपका, ठीक है। उसके बाद हम यहां बात करें रैंडम स्कैन में हमारा मेन एलिमेंट क्या था रैंडम स्कैन में, ये तो आ गया आपका रिफ्रेश रेट, दिस इज योर रिफ्रेश रेट। हाँ जी, एलिमेंट क्या था हमारा यहां पे, आपकी लाइंस, आपकी लाइंस, और यहां पे क्या था आपका पिक्सल की इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर रहे थे, पिक्सल की इंटेंसिटी आप लोग कंट्रोल कर रहे थे। यहां पे आपकी फुल स्क्रीन पे आप काम करते हो, लेकिन यहां पे आप किस पे काम कर रहे थे, पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, कार्टेशियन सिस्टम पे, आपकी स्कैन लाइंस पे आप वर्क करते हो, आपकी स्कैन लाइंस के आप अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो। यही था हमारे पास, यही चीजें थी। हाँ जी, यही था आपका। यहां पे फॉस्फोरस जो है, यहां पे आपका जो फॉस्फोरेंस होता है, फॉस्फोरेंस हमने बात की थी डिस्प्ले कंट्रोलर में, पहली चीज परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मीन्स फॉस्फोरेंस, फॉस्फोरेंस ये आपका कितना होता है 100 मिली सेकेंड, सॉरी आई नीड टू चेक अगेन, यस 100 मिली सेकेंड, ठीक है 100 ms फॉस्फोरेंस जो आपका होगा 100, कोटेड जो है डिले उसके अंदर 100 मिली सेकेंड का आपका डिले होता है। नेक्स्ट, उसके बाद यहां पे आप कोई भी चीज ड्रॉ कर रहे थे वो किसकी फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में थे, फुल स्क्रीन पे वर्क करते हैं, 30 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं इसलिए मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं आपको, 30 फ्रेम पर सेकंड होता है, रास्टर स्कैन में 60 फ्रेम पर सेकंड होता है। सेकंड थिंग, यहां पे आपके पास बीम क्या था, वर्टिकल ट्रेसिंग होगी और हॉरिजॉन्टल ट्रेसिंग होगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग होती है, वर्टिकल रीट्रेसिंग एंड हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग होती है। सेकेंड थिंग, हम यहां पे किस पे वर्क कर रहे हैं, पिक्सल पे, मींस आपकी स्क्रीन में क्या थे हमारे पास, क्या थे स्क्रीन के अंदर भाई हमारे पास, क्या थे स्कैन लाइंस, क्या थी हमारे पास स्कैन लाइंस थी हमारे पास, दिस वन, यही थे ना, ये है आपकी स्कैन लाइंस, ये आपकी स्कैन लाइन है, ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन ये होती है आपकी स्कैन लाइन, दोनों के बीच के जो कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो लाइन होगी उसको बोलते हैं स्कैन लाइन। तो पहली चीज वर्टिकल में आपके पास यदि एम रो है तो स्कैन लाइन कितनी होंगी, एम माइनस वन स्कैन लाइंस होंगी, कितनी लाइन होंगी एम माइनस वन स्कैन लाइंस होंगी, प्लीज नोट कीजिए इस पॉइंट को। हॉरिजॉन्टल में जब आप जाते हो, अगर एम रो है टोटल तो आपकी स्कैन लाइन कितनी होंगी, थर्ड आपकी एम माइनस वन। सेकेंड पॉइंट, सॉरी मैं यहां बताना भूल गया, दिस वन इज 30 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, ठीक है 30 हर्ट्ज मीन्स 30 फ्रेम पर सेकेंड, 30 हर्ट्ज मीन 30 फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। एम रोज ऑफ पिक्सल इक्वल टू एम रोज ऑफ पिक्सल्स, आपकी ये रो, ये टोटल रो कितनी है, टोटल रो जितने पिक्सल रो, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात की ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको बना के दिखाया था यार, वहां पे अगर आपको याद हो मैं फिर से एक बार बना देता हूं, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस वन इज वाई मैक्सिमम, सॉरी वाई, ये आपका वाई मैक्सिमम होगा, दिस इज ओरिजिन, ठीक है ये जो पॉइंट होगा दिस इज एक्स मैक्सिमम वाई मैक्सिमम, भाई इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है वाई मैक्सिमम और ठीक है दिस इज जीरो जीरो, और यहां पे आप जाएंगे दिस वन इज एक्स, दिस इज एक्स मैक्सिमम, ठीक है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, एक्स मैक्सिमम इक्वल टू 5, दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू 5, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एम रोज आपकी पिक्सल रो, ये क्या है आपका पिक्सल है, फिर से सुन लो एक बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें, और ये क्या है आपकी पूरी की पूरी पिक्सल रोज, ये आपकी क्या है पूरी एक पिक्सल रो, ये इसके अंदर पिक्सल्स हैं, ये इसके अंदर क्या है पिक्सल्स, ये हैं आपके पिक्सल्स,
और ये पिक्सल आपके एक रो के अंदर है, इस रो को क्या बोलोगे आप, पिक्सल रोज, पिक्सल रोज, ये आपके पिक्सल रोज है जितनी। तो कितनी रो है, 1 2 3 4 5, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर कितनी रो है हमारे पास, पिक्सल रोज 5। तो स्कैन लाइन कितनी होंगी, जितने पिक्सल रोज उतनी स्कैन लाइंस। तो नंबर ऑफ स्कैन लाइन कितनी हुई, जितने पिक्सल रोज उतने नंबर ऑफ स्कैन लाइंस। नंबर ऑफ पिक्सल रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिक्सल रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कैन लाइंस। यहां पे हमारे पास 5 हैं, तो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितनी हो गई, 5। ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल रोज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कैन लाइंस। ठीक है, m पिक्सल रोज हैं आपके पास, तो आपकी m स्कैन लाइंस हो जाएंगी। अगर आप काउंट करने जाते हो, m पिक्सल रोज मींस m स्कैन लाइन हो गई है। ये पॉइंट क्लियर है सबको, ये पॉइंट्स क्लियर हैं। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि हमारा एक पिक्सल है, उसके अंदर 3 वैल्यू होंगी, एक x कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी उसकी, एक होगी उसकी x कोऑर्डिनेट वैल्यू, एक होगी उसकी अपनी y कोऑर्डिनेट वैल्यू, और एक होगी उसकी कलर वैल्यू। ये 3 वैल्यू होंगी किसी भी पिक्सल में, हमने बात की थी, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद ये अगर m रोज हैं आपके पास, तो हॉरिजॉन्टल के अंदर जब आप बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल के अंदर, प्लीज इस बात को ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल के अंदर रीट्रेसिंग के अंदर जब हम बात करेंगे, यदि m रोज हैं आपके पास, तो m माइनस 1 स्कैन लाइंस होंगी, m माइनस 1 हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग होंगे आपके पास। इसको रीट्रेसिंग लिख सकते हो आप, m माइनस 1 हॉरिजॉन्टल रीट्रेस, m माइनस 1 हॉरिजॉन्टल रीट्रेस। ठीक है, वर्टिकल की हम बात करें, तो नंबर ऑफ वर्टिकल रीट्रेस इन वन रिकॉर्ड। हाँ जी, वर्टिकल क्या था हमारा, ऐसे था ना वर्टिकल, ऐसे था वर्टिकल, ऐसा था वर्टिकल, मींस एक पूरे फ्रेम के अंदर जितनी रो उतना आपका क्या हो गया, फ्रेम पर सेकेंड, उतना आपका रो माइनस वन, मींस वर्टिकल। यहां पॉइंट नोट कीजिए प्लीज, एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, और एक पॉइंट आपका ये हुआ, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट नोट कीजिए, फोर्थ पॉइंट नोट कीजिए। नंबर अगर आपका रिफ्रेश रेट आपको दिया गया है, ठीक है, अगर आपको रिफ्रेश रेट यहां पे दिया गया है, इफ रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट इज इक्वल टू आर फ्रेम पर सेकेंड, आर इज रिप्रेजेंटिंग योर रोज, आर इज रिप्रेजेंटिंग योर रोज, तो नंबर ऑफ वर्टिकल रिट्रेस, नंबर ऑफ वर्टिकल रिट्रेस इज इक्वल टू आर माइनस वन, आर माइनस वन, ठीक है, इन वन सेकेंड, इन वन सेकेंड, सॉरी 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 आर, सॉरी सॉरी आर, आर नॉट आर माइनस आर, एक मिनट यार, प्लीज आई नीड टू कंफर्म, एक दो तीन चार, ये माइनस वन नहीं होगा भाई, ये वन होगा, एम होगा, सॉरी एम होगा, दिस वन इज एम, एम होगा भाई, ये प्लीज इसको ठीक कर लेना, एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5, एम रोज इक्वल टू, यस एम होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे आ रहेगा आपका। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। रिजोल्यूशन क्या था इसके बाद हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा रिजोल्यूशन से रिलेटेड, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा रिजोल्यूशन से रिलेटेड था। हाँ जी, रिजोल्यूशन क्या होता है वैसे, ओके रिजोल्यूशन क्या था, रिजोल्यूशन भाई क्या था, रिजोल्यूशन आपकी कितनी नंबर ऑफ पिक्सल हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनटू नंबर ऑफ पिक्सल इनटू वर्टिकल डायरेक्शन, नंबर ऑफ पिक्सल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू नंबर ऑफ पिक्सल इन वर्टिकल डायरेक्शन, नंबर ऑफ पिक्सल इन वर्टिकल डायरेक्शन। अभी पीछे यार हमने बात की थी इसके बारे में कि अगर आपकी इमेज, आपकी इमेज 1024 इनटू 1024 है, मींस ये आपके क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और ये आपका क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल इन वर्टिकल डायरेक्शन में दिए गए हैं।
वर्टिकल डायरेक्शन में दिए गए। इसके बाद हमने बात की थी कि हमारे एक पिक्सल में कितनी बिट मेमोरी लगेगी, एक पिक्सल को स्टोर करने में कितने बिट मेमोरी लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, ये हमने एग्जाम्पल लिया, तो हमारे पास कितनी, जैसे इसकी अगर हम लें 8 बिट लग रहा है, तो टोटल मेमोरी हमारी कितनी लगेगी, टोटल मेमोरी हमारी कितनी लगेगी, 1024 इंटू 1024 इंटू 8 बिट, तो टोटल कितना हो गया हमारा 2 की पावर 23 बिट्स, जिसको आप काउंट करेंगे दिस इज 8 मेगा बिट्स। ये सेकेंड, ये पॉइंट नोट कीजिए। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट? हाँ जी, रिफ्रेश रेट के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही, रिफ्रेश रेट के बारे में। यहां पे अगर आप लिखना चाहें तो रिफ्रेश रेट को लिख सकते हो, रिफ्रेश रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द पिक्चर ऑन द स्क्रीन, नंबर ऑफ टाइम्स द पिक्चर ऑन द स्क्रीन इज ड्रॉन इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम। इन लिख सकते हो, ड्रॉन पर यूनिट टाइम लिख सकते हो आप, ड्रॉन इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितनी बार आपकी पिक्चर एक स्क्रीन में, जैसे हमने बात की रैंडम स्कैन के अंदर, आपके पास रैंडम स्कैन के अंदर आपके पास कितना था, 30 फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 30 बार आपकी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। वहीं रास्टर स्कैन में हमने बात की, रास्टर स्कैन के अंदर हमने बात की कि 60 फ्रेम पर सेकेंड मींस आप एक बार में 60 टाइम आपका फ्रेम है वो चेंज कर सकते हो, फ्रेम मींस 60 टाइम आप एक सेकेंड में आपकी स्क्रीन पे पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। नंबर ऑफ टाइम्स द पिक्चर ऑन द स्क्रीन इज ड्रॉन, स्क्रीन इज ड्रॉन इन पर यूनिट टाइम, दिस इज योर रिफ्रेश रेट। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हमने बात की थी एस्पेक्ट रेशियो के बारे में, इसके बाद हमने बात की थी इससे पहले एस्पेक्ट रेशियो के बारे में। क्या था एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो क्या था, विड्थ बाय लेंथ, विड्थ बाय लेंथ, यही था विड्थ बाय लेंथ। लेंथ आप बोल सकते हो इसको, हाइट आप बोल सकते हो इसको, लेंथ बोल सकते हो, हाइट बोल सकते हो आप इसको, हाइट बोल सकते हो, जनरली फॉर्मूलाज में हाइट ही लिखा जाता है, हाइट लिख लो कोई बात नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्वेश्चन है 3x4, इसका मीनिंग क्या है कि विड्थ की 3 लाइंस आर इक्वल टू द हाइट की 4 लाइंस के इक्वल होगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, 3 पिक्सल इन हॉरिजॉन्टल, 3 पिक्सल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल इक्वल टू आपके 3 पिक्सल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वो इक्वल है 4 पिक्सल इन द वर्टिकल डायरेक्शन, विल बी इक्वल टू 4 पिक्सल इन द वर्टिकल डायरेक्शन, 4 पिक्सल इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिए प्लीज। इन सबसे आता है आपका क्वेश्चन, जो हमने यहां पे सारी चीजें लिखी हैं, इन सबसे आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। यहां से ये पूरा एक फ्रेम है आपके सामने है, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन, 6-7 प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम है वो आती है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, रास्टर स्कैन सिस्टम में आपके पास सबसे पहली चीज आती है हमारे पास क्या, कि हमारा रिजोल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल इन वर्टिकल डायरेक्शन इनटू नंबर ऑफ पिक्सल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल में आपके जैसे 1024 1024, ये रिजोल्यूशन दिया गया है आपकी पर्टिकुलर इमेज का, इसका मीनिंग क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1024 पिक्सल है, वर्टिकल डायरेक्शन में 1024 पिक्सल है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक पार्टिकुलर पिक्सल के अंदर आपकी हमने बात की
x कोऑर्डिनेट वैल्यू, y कोऑर्डिनेट वैल्यू प्लस आपका कलर होता है। तो वो जो वैल्यू होती है आइदर 8 बिट वैल्यू, आइदर 1 बिट वैल्यू और 24 बिट वैल्यू, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है उसकी पार्टिकुलर इंटेंसिटी को। तो 8 बिट है तो टोटल मेमोरी कितनी लगेगी इस पार्टिकुलर, टोटल मेमोरी यानी कि आपका बिट प्लेन कितना लगेगा इस पार्टिकुलर इमेज को स्टोर करने में। तो टोटल मेमोरी कितनी, आप उसको मल्टीप्लाई करके काउंट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट आपका, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा रिफ्रेश रेट क्या होता है। रिफ्रेश रेट इज नंबर ऑफ टाइम्स अ पिक्चर इज ड्रॉन इन पर यूनिट टाइम। एक यूनिट, एक सेकेंड के अंदर आप अपनी स्क्रीन में कितनी बार पिक्चर, आप कितनी बार फ्रेम को चेंज कर सकते हो। फ्रेम को चेंज करना मीन्स कितनी बार पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो रास्टर स्कैन में हमने देखा था 60 फ्रेम पर सेकेंड, रैंडम स्कैन में हमारे पास 30 फ्रेम पर सेकेंड होता है। थर्ड पॉइंट हमारा एस्पेक्ट रेशियो। ये एस्पेक्ट रेशियो कि आपकी विड्थ कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। दिस इज विड्थ एंड दिस इज हाइट। ये विड्थ है आपकी और ये हाइट है। थर्ड बाई फोर मीन्स कि यहाँ के 3 पिक्सल आपके हाइट के 4 पिक्सल के इक्विवेलेंट होंगे। यहाँ के 3 पिक्सल, ये 3 पिक्सल आपकी हाइट के 4 पिक्सल के इक्विवेलेंट होंगे। दैट इज एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो। उसके बाद रास्टर स्कैन सिस्टम हमारे पास था। रास्टर स्कैन सिस्टम में ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज 0 0, दिस इज एक्स मैक्सिमम वाई मैक्सिमम। ये आपके होते हैं, एक ये एक पिक्सल है पूरा और ये एक रो के अंदर है, उसको बोलते हैं पिक्सल रो। नंबर ऑफ पिक्सल रोज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कैन लाइंस होते हैं। नंबर ऑफ पिक्सल रो इक्वल टू नंबर ऑफ स्कैन लाइन। और हमारे हॉरिजॉन्टल स्कैन रीट्रेसिंग और वर्टिकल रीट्रेसिंग हमने देखी थी। हॉरिजॉन्टल रीट्रेसिंग ऐसे होती है, वर्टिकल रीट्रेसिंग आपकी ऐसे 1 2 3 4। फोर हमारी जितने नंबर ऑफ आपके रो हैं उतने नंबर ऑफ आपके हॉरिजॉन्टल रीट्रेस होंगे। फिर उसके बाद वर्टिकल रीट्रेसिंग को जनरली यूज किया जाता है रिफ्रेश रेट के अकॉर्डिंग। रिफ्रेश रेट यानी कि अगर आपकी आर रोज हैं, फॉर एग्जाम्पल आर रोज या एम रोज, आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। ये मैंने अलग इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। अगर आपकी आर रो है, एक सेकंड आपकी इसके अंदर टोटल अगर आर रोज है और एक सेकंड में एक फ्रेम चेंज हो रहा है, यानी कि आप आर रोज को एक फ्रेम के अंदर रिफ्रेश कर रहे हो। वन फ्रेम मीन्स आर रोज, टोटल आर रोज, ये रो आपकी। रो कहाँ पे मिलेगा आपको, वैल्यू मिलेगी जो वर्टिकल आपकी वैल्यू होगी, दैट इज रिप्रेजेंटिंग रोज, दैट रिप्रेजेंटिंग रोज। और जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है दैट इज रिप्रेजेंटिंग विड्थ, यानी कि कॉलम्स। ये आपका वर्टिकल मीन्स वर्टिकल आपकी आर रो एक सेकेंड के अंदर कितनी बार आप रिफ्रेश कर सकते हो, एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ रो है उसके अकॉर्डिंग। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, क्वेश्चन सोल्व करें, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कंसीडर ए रास्टर सिस्टम विथ रिजोल्यूशन ऑफ 1280x1024, then what size frame buffer is needed for the system to store if 24 bits per pixel are to be stored. Yes, ये है आपका क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कंसीडर ए रास्टर सिस्टम, आपको रास्टर सिस्टम यूज करना है विथ अ रिजोल्यूशन ऑफ 1280x1024, देन व्हाट इज द साइज ऑफ फ्रेम बफर मीन्स योर मेमोरी साइज, आपका मेमोरी साइज, और यू कैन से बिट प्लेन साइज। यहाँ पे आपको बिट प्लेन साइज, अरे भाई क्या हुआ, बिट प्लेन साइज। ओके, आई थिंक विजिबल टू एवरीवन ना, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम,
यहां पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, ओके तो यहां पे आपसे पूछा गया है, तो आपको रिजोल्यूशन दिया गया है, आपको रिजोल्यूशन दिया गया है, रिजोल्यूशन कितना है आपका, रिजोल्यूशन 1280 इंटू 1024 इंटू 1024, ओके 1280 मीन्स वी हैव हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कितने 1280 पिक्सल्स हैं और वर्टिकल में हमारे पास 1024 पिक्सल हैं, 1024 पिक्सल्स हैं, और पर पिक्सल आपका कितना डाटा है, पर पिक्सल आपके पास कितना है 24 बिट्स डाटा, 24 बिट्स आपका, मैं आपको मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, तो आपका टोटल मेमोरी कितना यूज होगा, टोटल मेमोरी कितनी यूज होगी आपकी, टोटल मेमोरी कितनी यूज होगी, हम पहले भी फॉर्मूला देख चुके हैं, इसका फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स आपका रिजोल्यूशन इंटू नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल, तो 1280 इंटू 1024 इंटू 24 बिट्स, ये आपका मेमोरी है जितना आपको चाहिए होगा, तो इसको आप काउंट कर सकते हो, इसको काउंट कीजिए, और इतना मेमोरी आपको चाहिए आपके पार्टिकुलर डाटा को स्टोर करने के लिए, आपकी इमेज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। विजुअली क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, विजुअली अगर आप इसको देखें तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी इमेज है, ये आपकी इमेज है, ठीक है। इस इमेज की विड्थ कितनी है, 1280 पिक्सल, और हाइट कितनी है, हाइट ये आपकी विड्थ, हाइट कितनी है इसकी, हाइट है इसकी 1024 पिक्सल्स, और एक पिक्सल का साइज कितना है, वन पिक्सल आपका 24 बिट, तो इस टोटल इमेज को स्टोर करने के लिए आपको कितनी मेमोरी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा सकता है, वो देखते हैं। इसमें पूछा जा सकता है हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू लोड इफ 10^5 बिट्स पर सेकेंड ट्रांसफर, अगर आपका ट्रांसफर रेट है ट्रांसफर 10^5 बिट्स पर सेकेंड आर ट्रांसफर, तो बताइए कि टोटल टाइम कितना लगेगा इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेमोरी को ट्रांसफर करने में। आपकी मेमोरी ये है, इतना टोटल मेमोरी आपके पास इतनी है, एक सेकेंड में कितने बिट्स ट्रांसफर कर रहा है, ये फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो गया है, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं, अब सेकेंड पार्ट इसमें आपको क्या दिया गया है, ट्रांसफर 10^5 बिट्स पर सेकेंड ट्रांसफर रेट, और यू कैन से डाटा ट्रांसफर रेट कितना है, 10^5 बिट्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 10^5 बिट ये ट्रांसफर कर रहा है, 10^5 बिट कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में, तो एक बिट कितने में ट्रांसफर करेगा, 1/10^5 सेकेंड में, 10^5 सेकेंड में, तो हमारे पास टोटल बिट्स कितने हैं, तो 1280 इंटू 1024 इंटू 24 कितना बिट्स कितने में ट्रांसफर करेगा, दैट इज इक्वल टू 1280 इंटू 1024 इंटू 24 बाय 10^5 सेकेंड, इतना टाइम लेगा ये आपका ट्रांसफर करने में इस पार्टिकुलर डाटा को। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा रिलेटेड टू स्कैनिंग, ओके
Question number two. How much time is spent in scanning across? How much time is spent in scanning across each row of pixels during screen refresh on a raster scan system with a resolution 1280x1024 and a refresh rate of 60 frame per second. Try कीजिए इस क्वेश्चन को प्लीज. क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? सबसे पहले आपका रिजोल्यूशन कितना है? रिजोल्यूशन दैट इज 1280x1024. दिस वन इज हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ पिक्सल एंड दिस इज वर्टिकल नंबर ऑफ पिक्सल. उसके साथ आपको दिया गया है रिफ्रेश रेट दैट इज 60 फ्रेम पर सेकेंड. हाँ जी, इसका मीनिंग क्या है 60 फ्रेम पर सेकेंड का? कि आप एक सेकेंड में 60 टाइम अपना फ्रेम चेंज कर सकते हो. 60 टाइम फ्रेम्स मीन्स 60 टाइम आपकी सेम साइज की पिक्चर है वो ट्रांसफर कर सकते हो. सेम साइज की पिक्चर है उसको चेंज कर सकते हो. इसके अंदर आपको स्कैन लाइन इन वन रो, नंबर ऑफ स्कैन लाइन्स, आपकी कितनी स्कैन लाइन होंगी जब आप एक बार ट्रांसफर करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं. आपकी 1024 आपका वर्टिकल हम यहां पे ले रहे हैं, वर्टिकल सिस्टम होगा क्योंकि आपकी पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो रहा है. मींस 1024 रोज आपकी स्कैन होंगी एक बार में. फिर उसके बाद यदि आपका 60 फ्रेम्स आपका बोला गया है, 60 फ्रेम्स, तो अगर 60 फ्रेम्स आपके एक सेकेंड में, तो ये कितना हुआ दिस इज वन फ्रेम कंटेन 1024 रोज. और इसने पूछा क्या है कि एक रो को स्कैन करने में कितना टाइम लगेगा. इसने कुछ किसका पूछा है? वन रो का टाइम. एक रो का टाइम इसने पूछा है आपसे. तो फाइंड आउट कीजिए 60 फ्रेम्स में आपका कितना टाइम लग रहा है. 60 फ्रेम्स में 1 सेकेंड, तो 1 फ्रेम में कितना लगेगा? 1 फ्रेम में 1/60 सेकेंड. और 1 फ्रेम में कितनी रो है? 1024 रोज. 1 फ्रेम यानी कि 1024 रोज आपकी ट्रांसफर करने में आपको कितना टाइम लग रहा है? 1/60 सेकेंड. तो एक रो को स्कैन करने में कितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है. दैट इज 1/1024 × 60, इतना टाइम लगेगा आपका एक रो को रिफ्रेश करने में. आपका क्या दिया गया है? सबसे पहले रिजोल्यूशन मींस कि आपकी नंबर ऑफ रो, वर्टिकल की बात की है. वर्टिकल यानी कि आपकी टोटल कितनी रो है? 1024 रोज. तो नंबर ऑफ स्कैन लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस आपकी रिफ्रेश होंगी, एक फ्रेम आपका कितने का है? 1024 रोज का. और बात किसकी की गई है? वर्टिकल की. तो 60 फ्रेम में 1 सेकेंड में आपका रिफ्रेश कर रहा है, तो वन फ्रेम यानी कि 1024 रोज वर्टिकल की बात की गई है. तो एक 1/60 सेकेंड में, तो अगर 1024 रोज आपकी 1/60 सेकेंड में है, तो वन रो कितने में होगी? 1/0 into 60 सेकेंड. इसको काउंट कर लीजिए, आपका इतना टाइम लगेगा एक रो को रिफ्रेश करने में. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री.
Consider its raster system with the resolution of consider a raster system with the resolution of resolution of 1280 into 1024. how many pixels could be accessed per second by display processor if the refresh rate is 60 frame per second. हाँ जी, क्या दिया गया है आपको कि आपका रिजोल्यूशन कितना है आपका 1280 into 1024। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो कि एक फ्रेम है आपका, ये इस एक फ्रेम में टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने होंगे हमारे इक्वल टू जिसको आप रिजोल्यूशन बोलते हो कितना है 1280 into 1024। और इसने पूछा है हाउ मेनी पिक्सल कुड बी एक्सेस पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने आपके एक्सेस कर पाएंगे आप एक सेकेंड में, ठीक है, 60 फ्रेम पर सेकेंड। रिफ्रेश रेट इक्वल टू 60 फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है, 60 फ्रेम पर सेकेंड। और एक फ्रेम में कितने पिक्सल हैं 60 फ्रेम एक सेकेंड में, ये किसका डाटा है एक फ्रेम का। तो 60 फ्रेम यदि एक सेकेंड में कर रहा है एक सेकेंड में, तो एक फ्रेम कितने में करेगा, एक फ्रेम यानी कि 1280 into 1024 pixel, 1/60 सेकेंड में, तो एक सेकेंड कितने में करेगा, एक सेकेंड में कितना करेगा, दैट इज 60 into 1280 into 1024 pixels, इतना आपका एक सेकेंड में करेगा। इसने किसकी की बात की है, पर सेकेंड की बात की है, एक सेकेंड में इतने की बात की है। अगर इसमें आपका आपसे पूछ लिया जाता कि एक पिक्सल को एक्सेस करने में कितने सेकेंड लगेंगे, सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का कि एक पिक्सल को, यहाँ पे तो पूछा गया हाउ मेनी पिक्सल कैन बी एक्सेस पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने पिक्सल, और यहाँ पे पूछ लिया जाए how much time is needed to access one pixel, or per pixel, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाँ जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 60 फ्रेम्स इसका आगे, इसी के आगे 60 फ्रेम्स वन सेकेंड में, वन फ्रेम 1/60 सेकेंड में, और एक फ्रेम में कितने पिक्सल है 1280 into 1024 pixels, इतने पिक्सल हैं किसने में 1/60 सेकेंड में, तो एक पिक्सल कितने में हो जाएगा 1/60 into 1280 into 1024 seconds, इतना आपका सेकेंड्स टाइम लगेगा। आपसे अगर पर सेकेंड पूछा गया है पर सेकेंड, तो एक फ्रेम रिफ्रेश रेट कितना है 60 फ्रेम्स, तो एक फ्रेम में कितने पिक्सल हैं आपके, इतने पिक्सल
तो इतने पिक्सल एक सेकंड में रिफ्रेश करेगा, और यदि इसका उल्टा पूछ लिया जाए एक सेकंड में कितने करेगा, तो उसको मैं आपको डिवाइड कर देना है, उसमें क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। ओ सॉरी दिस वन इज नॉट विजिबल, आई एम राइटिंग आगे लिख रहा हूँ भाई मैं। तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा, 1/60 इंटू 1280 इंटू 1024 सेकेंड्स, 1024 सेकेंड, ठीक है, 24 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना था हमारा, इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, कोई डाउट किसी को इस पॉइंट में, किसी को डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए टीवी स्क्रीन हैज 525 scan lines and the aspect ratio is 3:4. If each pixel contains 8 bits of intensity, worth of intensity, then how many bits per second is required? How many bits per second is required to show 30 frames per second? 30 frames per second आपको दिया गया है एक टीवी स्क्रीन, एक टीवी की स्क्रीन है आपके पास, यह आपकी स्क्रीन है टीवी स्क्रीन, दिस इज योर टीवी स्क्रीन, जिसमें आपको बोला गया टोटल 525 स्कैन लाइन्स है। स्कैन लाइन कितनी है, 525 स्कैन लाइन यानी कि नंबर ऑफ रोज, स्कैन लाइन यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कैन लाइन होता है हमारा, स्कैन लाइन्स कितना दिया गया है 525 नंबर ऑफ रोज, यानी कि आपका वर्टिकल साइज आपको दिया गया है, एंड उसके साथ बोला गया है एस्पेक्ट रेशियो, और उसी के साथ दिया गया है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है हमारा, विड्थ बाय लेंथ, और यू कैन से विड्थ बाय हाइट इंटू थ्री बाय फोर। वर्टिकल क्या थी हमारी, हाइट थी, तो विड्थ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपको बता दिया यहाँ से कि आपके पास टोटल कितनी रो है, ये जो रो है नंबर ऑफ रोज कितना है, 525 रोज। अब आपको कॉलम्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि कितने कॉलम्स हैं। तो विड्थ कितनी हो जाएगी आपकी, विड्थ इक्वल टू हाइट इंटू 3/4। हाइट कितनी है, 525 इंटू 3/4। विड्थ आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, फाइंड आउट किया, आपका आंसर आएगा विड्थ इक्वल टू 393। मीन्स हमारे पास कितने कॉलम हैं यहाँ पे, 393 कॉलम्स। तो हमारा रिजोल्यूशन क्या आ गया, हमारा रिजोल्यूशन कितना आ गया, रिजोल्यूशन आपका इससे कितना आया, आपका रिजोल्यूशन आ गया हॉरिजॉन्टल 393 इंटू 525 आपका रिजोल्यूशन आ गया। अब हमारे पास रिजोल्यूशन आ चुका है, तो हमें बताना है कि कितने बिट्स आपके लगेंगे पर पिक्सल, कितने बिट्स लगेंगे एक पिक्सल में कितना है, 8 पिक्सल। प्रत्येक पिक्सल में कितने बिट हैं, 8 बिट्स हैं, ठीक है, प्रत्येक पिक्सल में कितने बिट है, 8 बिट। तो एक आपको कितना जनरेट करना है, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकेंड में आपको क्या है, रिफ्रेश रेट है आपका 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, हमें बनाना है रिफ्रेश रेट इक्वल टू 30 फ्रेम्स पर सेकेंड
यानी कि 30 फ्रेम एक सेकेंड में, एक सेकेंड में, ठीक है, मीन्स 30 into 393 into 525 अरे उल्टा कर दिया क्या, दिस इज विड्थ, दिस इज वर्टिकल, हाँ जी 393 into 525, ठीक है, ठीक है, तो आपका ये कितना आ गया एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड के अंदर। तो बिट्स फाइंड आउट करनी है आपकी, तो साइज कितना है आपका 3 into 393 into एक, एक उसमें कितने बिट्स लग रहे हैं 8 bit, तो into 8 bits, तो टोटल आपके बिट्स कितने आ गए एक सेकेंड के अंदर 30 फ्रेम के लिए, दिस इज योर आंसर, ये आ गया आपका आंसर। हाउ मैनी बिट्स पर सेकेंड पूछा है उसने, 230 फ्रेम्स पर सेकेंड, और एक पिक्सल में कितने हैं 8 bits। क्लियर है ये पॉइंट, कोई डाउट किसी को इस पॉइंट में, किसी को डाउट? ओनली टू न्यूमेरिकल्स आर लेफ्ट अनुपम, आफ्टर दैट वी विल स्टॉप आवर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Suppose we have a monitor with a display area. Suppose we have a monitor with the display area that measures 12 inch across 9.6 inch height. 12 inch horizontally across, horizontally and 9.6 inch height, okay, if the resolution is 1280 into 1024, then what is the diameter of pixel? Diameter of pixel, yes, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार। सबसे पहली चीज, आपको स्क्रीन का साइज दिया गया है, ये आपका स्क्रीन है, हाइट दी गई है आपको, हाइट 9.6 इंच, और विड्थ दी गई है आपको, विड्थ दैट इज इक्वल टू 12 इंच, विड्थ आपको दी गई है 12 इंच, ठीक है, तो आपका 12 इंच 19.6 इंच दिया गया है, प्लस आपको रिजोल्यूशन दिया गया है, आपको रिजोल्यूशन दिया गया है, व्हाट इज 1280 into 1024, रिजोल्यूशन क्या होता है हमारा, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली 9.6 इंच, दिस 9.6 इंच कंटेन 1280 पिक्सल्स, सॉरी 1024 रोज, एंड दिस वन इज कंटेन 1280 रोज, दिस वन इज कंटेन 1280 रोज, ओके, तो आपको बताना है आपके पिक्सल का, एक पिक्सल का डायमीटर, मीन्स आपके एक पिक्सल का डायमीटर कितना है, एक पिक्सल का डायमीटर कितना है, तो इफ डायमीटर ऑफ वन पिक्सल इज डी, अगर एक पिक्सल का डायमीटर है, इफ डायमीटर ऑफ वन पिक्सल इज डी, वन पिक्सल इज डी, अगर डी डायमीटर है, तो आपकी टोटल मेमोरी जो यूज हो रही है यहां पे वो कितनी होगी, डी डायमीटर यानी कि आपके एक पिक्सल और उसके करस्पॉन्डिंग आपके 1280 रोज, दिस वन इज इक्वल टू लेंथ, दिस वन इज इक्वल टू, ये एक पिक्सल है, एक पिक्सल ये है ना, ये एक पिक्सल है आपका, ये एक पिक्सल, ये एक पिक्सल और ऐसे एक पिक्सल ये और ऐसे, इसका कुछ हाइट हमने लिया है डी, डायमीटर यानी कि इसकी ये वाली हाइट, इस साइड वाली ये वाली हाइट,
और ऐसे टोटल कितने पिक्सल है हमारे पास, टोटल 1280, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 12 इंच के इक्वल होना चाहिए, 12 इंच के इक्वल, तो d इंटू 1280 इज इक्वल टू 12 इंच, तो आपका d का साइज आपका पता चल जाएगा आपको, d इज इक्वल टू 12 इंच बाय 1280, 12 इंच बाय 1280, ओके, 12 इंच बाय 1280, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते, इसको हमने फाइंड आउट किया, ये तो बात हो गई आपकी किसकी, हॉरिजॉन्टल की, ये तो बात किसकी हो गई, हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल की। अगर आपसे यहाँ पे वर्टिकल के बारे में पूछा जाए, वर्टिकल के बारे में यदि पूछ लिया जाए, हॉरिजॉन्टल हो गया, अगर वर्टिकली पूछ लिया जाए, वर्टिकली कितना होगा, वर्टिकली तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस टाइम पे क्या हो जाएगा हमारा, d इंटू 1024 इज इक्वल टू 9.6 इंच, तो उस टाइम पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.6 इंच बाय 1024, 9.6 बाय 1024। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, लेट द एवरेज टाइम टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इन द डिस्प्ले, लेट द एवरेज टाइम टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इन द डिस्प्ले, इन द डिस्प्ले इज 33.33 microseconds, 33.33 microseconds. If the refresh rate is 30 frames per second, then what is the maximum number of instructions? Then what is the maximum number of instruction, maximum number of instructions that may be present in the display list? हाँ जी, डिस्प्ले लिस्ट सोल्व कीजिए। आपको बोला गया है टोटली इस क्वेश्चन के अंदर, आपको बोला गया है कि आपकी एक डिस्प्ले लिस्ट है, ये आपकी डिस्प्ले लिस्ट, ओके, डिस्प्ले लिस्ट, ये आपकी एक डिस्प्ले लिस्ट है, ठीक है, डिस्प्ले लिस्ट, इसके अंदर आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, और आपको दिया गया है इफ द एवरेज टाइम टू एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में आपका टाइम कितना लग रहा है, 33.33 माइक्रोसेकेंड, और रिफ्रेश रेट है आपका 30 फ्रेम पर सेकेंड, ओके, तो आपको बताना है कि आपका टोटल कितना टाइम लगेगा, हाउ मच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट एंड हाउ मच इज द टोटल टाइम, फाइंड आउट कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, प्लीज क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, सब कुछ आपके सामने है, आपको बताने हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ x वैल्यू हमने मानी, x इज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इक्वल टू x, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने माना x, तो ट्राई करो एक बार, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया 30 फ्रेम पर सेकेंड, इसकी हेल्प लीजिए, क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, हाँ जी ट्राई किया, देखिए सबसे पहली चीज क्वेश्चन की हेल्प ली आपने, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि आपकी ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले यानी कि वन फ्रेम, डिस्प्ले लिस्ट यानी कि वन फ्रेम, ये आपकी फ्रेम है और इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है I1, I2, I3, I4 अप टू IN, ठीक है, IX इंस्ट्रक्शन है टोटल, तो आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसमें दिया गया है आपको कि ये एक इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन, किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो आपका टाइम लग रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम, दैट इज इक्वल टू 33.33 माइक्रो सेकेंड। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, सबसे पहली चीज आपकी डिस्प्ले लिस्ट, ठीक है, डिस्प्ले लिस्ट कंटेन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, टाइम टू प्रोसेस वन
फ्रेम, कंप्लीटली फ्रेम को, एक कंप्लीट फ्रेम को आपके प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, एक कंप्लीट फ्रेम को। तो आपने, हम यहां पे हमने माना नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले लिस्ट मींस टोटल टाइम, टोटल टाइम टू एग्जीक्यूट वन फ्रेम, वन फ्रेम, वन फ्रेम यानी कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके अंदर कितनी है, इनटू टाइम फॉर वन इंस्ट्रक्शन, टाइम फॉर वन इंस्ट्रक्शन। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी है आपके पास, एक्स, एक के लिए कितना टाइम लग रहा है, 33.33 माइक्रोसेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया, एक्स इंटू 33.33 माइक्रोसेकंड हो गया, ठीक है, 33.33 माइक्रोसेकंड। रिफ्रेश रेट कितना गिवन है आपको, रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट गिवन है हमारे 30 फ्रेम पर सेकेंड, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 30 फ्रेम वन सेकेंड में हो रहे हैं। तो ये एक फ्रेम कितने में होगा, अगर हम देखें तो ये क्या है टोटल, ये एक फ्रेम की बात की गई है, डिस्प्ले लिस्ट यानी कि आपका एक फ्रेम, एक फ्रेम। तो वन फ्रेम कितना टाइम लगेगा, वन फ्रेम में आपका टाइम लग जाएगा 1 बाय 30 सेकेंड। माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो में जब हम करते हैं, माइक्रो में जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6, कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6। हाँ जी, अब यहां देखो 10 की पावर 6, और इसमें कितनी इंस्ट्रक्शन थी, टोटल टाइम कितना लग रहा था, ये एक फ्रेम को प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है, 10 की पावर 6 बाय 30 सेकेंड्स। तो यहां से फाइंड आउट कर दो प्लीज, मीन्स यहां पे आपका कितना है, x इंटू 33.33 माइक्रोसेकेंड जो टाइम है, क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा 10 बाय 6 बाय 30 माइक्रोसेकेंड के। तो क्या यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 10 बाय 6 इंटू 30 इंटू 33.33, ये आ जाएंगी आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर फाइंड आउट कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, हो गया। और आपसे पूछा जाए टोटल कितना टाइम लग रहा है एक डिस्प्ले में, एक डिस्प्ले में कितना टाइम लगेगा, ये आपका लगेगा टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में, दिस इज द टाइम फॉर टोटल टाइम टू एग्जीक्यूट वन फ्रेम, और यू कैन से डिस्प्ले लिस्ट, और यू कैन से कंप्लीट डिस्प्ले लिस्ट, और यू कैन से ऑल इंस्ट्रक्शंस, दिस इज द टाइम। और ये आपका कितना है x की वैल्यू आपकी, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को, इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को, यस, रिफ्रेश रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स, रिफ्रेश रेट इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड मीन्स एक सेकेंड में कितनी बार आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, कितनी बार आप अपने फ्रेम को चेंज कर सकते हो, ठीक है। रिफ्रेश रेट इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स, ओके, शैल वी कंटिन्यू, क्या आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इफ यू पीपल्स आर रेडी देन वी विल कंटिन्यू, नो, अनुपमा, दिस कंप्यूटर ग्राफिक्स इज नॉट पार्ट ऑफ गेट सिलेबस, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, दिस इज अ पार्ट ऑफ यूजीसी नेट सिलेबस, ये आपका यूजीसी नेट सिलेबस के लिए आता है। अगर आप, आपके थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, तो अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स आपका सेमेस्टर सब्जेक्ट है तो आप इसको स्टडी कर सकते हो, तो आप इसको स्टडी कर सकते हो, अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं या आपके सेमेस्टर एग्जाम भी आने वाला है तो आप इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं, इससे आगे हमारे जो टॉपिक है, कलर सीआरटी मॉनिटर है आपका, कलर सीआरटी मॉनिटर्स, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। उसके बाद आपका डीवीएसटी है, और उसके बाद है आपका फ्लैट लेवल्स, फ्लैट स्क्रीन्स, फ्लैट डिस्प्लेस, ठीक है। ये तीन टॉपिक हम कवर करेंगे, और उसके आगे जो आपका इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस,
ये आपको खुद ट्राई करना है, ये आपको खुद स्टडी करना है, बिकॉज ये पार्ट से आपका क्वेश्चन जनरली आता नहीं है। अब तक एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अब तक आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसमें से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रैक बॉल एंड स्पेस बॉल, वो मैंने आपका कवर किया है डिटेल में पीडीएफ के अंदर, ठीक है। और यस या आपके केवीएस एग्जाम्स में और अनदर जो गवर्नमेंट एग्जाम है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, उसमें आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स आता है। जैसे डीएसएस भी आपका आएगा, अभी सी टेट आपका एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर ग्राफिक्स आपका आता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको खुद कवर करना है, ये पार्ट हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट यूनिट का, दैट इज लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम्स, लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम्स, ये पार्ट हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। और आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब आपको ट्राई करने हैं, मैक्सिमम जो है आपके वो मैंने कर दिए यहाँ पे, जो आपके प्रीवियस ईयर टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने सोल्व कर ली हैं। और आपका यदि कोई क्वेश्चन आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको शेयर कर सकते हो, उसको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं फिनिश कर रहे हैं, एंड प्लीज़ क्लासेस अटेंड कीजिए। आप लोग अगर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं दैट्स योर लॉस, इसमें आपका लॉस है, हम लोगों का कोई लॉस नहीं है। क्लास आपकी रेगुलर हो रही है कंप्यूटर ग्राफिक्स की, अभी रेगुलर चलेगी, ठीक है। कल कोई इशू हो गया था इसलिए मैं नहीं ले पाया था, तो आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स सिलेबस हम 5 to 6 क्लासेस में कवर कर लेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब मैं यहाँ पे करवाऊंगा। उसके बाद एक डाउट सेशन लेंगे हम, उसमें हम आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रियली पार्ट ऑफ द इमेज प्रोसेसिंग है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड है उनको भी हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। और वन ऑफ द थिंग इज प्लीज अटेंड क्लास एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अगर आप नहीं करेंगे इसमें आप लोगों का लॉस होगा, आप लोग के मार्क्स जाएंगे। 6 to 8 मार्क्स का सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है बिल्कुल। यू नीड टू नॉट ओनली मेनली 20 पॉइंट्स आपको याद करने हैं मैक्सिमम, जिनके से आपका क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 20 पॉइंट्स हैं पूरे सिलेबस में जहां से आपका क्वेश्चन आता है। और उसके बाद आप अगर 6 to 8 मार्क्स इजिली कवर कर सकते हो तो इससे अच्छा फ़ायदा आपका क्या होगा, ओके। तो यहीं पर फिनिश करते हैं आज का सेशन, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कीप योर डाउट ऑन योर नोट्स एंड वी विल डिस्कस टुमारो। Okay, thank you very much and good night.